हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा। एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। हाँ जी, तो जो भी स्टूडेंट अगर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सब के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। तो अगर आप लोग CUET की एग्जाम वगैरह दे दिए हो तो आप लोगों को पता है आपकी रिजल्ट वगैरह भी आ गई है, तो अब जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसिल वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन हो गई है, तो आप लोग डायरेक्ट यहां से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही इनके वेबसाइट पे आओगे तो यहां पे आपको सामने में शो होगा, तो CUET कैंडिडेट के लिए आप लोग को डायरेक्टली अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करोगे एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल जाती है, तो यहाँ क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी फॉर्म वगैरह ओपन हो जाएगी। एंड अगर आप लोग अभी फीस पे नहीं करना चाहते हो फॉर्म की, तो आप लोग पे लेटर पे भी कर सकते हो। एंड इसमें आपको 10th की 12th की सारी डिटेल जो आपकी है, आप लोग मार्कशीट लेके उसे देख देख के सारा कुछ फिलअप कर सकते हो, जितनी भी आपकी डिटेल वगैरह है। एंड इसमें आपको CUET की रैंक वगैरह एंड स्कोर, जितने भी आपने स्कोर किया, एप्लीकेशन नंबर, ये सारे कुछ आपको डिटेल भरने होंगे। एंड पर्सनल डिटेल, नेम, मदर नेम, फादर नेम, जितनी भी होती है ये सारी चीज़ें आपको फिल करके यहाँ से आप लोग फाइनली रजिस्टर करके एंड जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंड इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।